सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 25x35 का हाउस प्लान, एक बेहतरीन हाउस प्लान। तो देखिए कैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया है। पहले हम प्लॉट साइज 25x35 का मेज़रमेंट लेंगे, उसके बाद से अपना ये तो इसका आउटर वॉल ये ड्रॉ कर दिया मैंने। उसके बाद से अब इसमें अंदर में आउटर वॉल आपको 250 mm यानी कि 10 इंच का रखना है, एंड इनर वॉल 5 इंच का 125 mm का रखना है। अभी मैं इसका स्टेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कितने कम जगह में मैंने इसका स्टेयर केस का प्रोविज़न किया है यहाँ पे, जो कि एकदम बेहतरीन बैठेगा आपके घर में। स्टेयर का ट्रेड एंड राइजर आपको उसका साइज़ में बता दूँ, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपको ट्रेड रखना है 10 इंच एंड राइजर 5 इंच का, ये बेहतरीन रहेगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नॉलेज हो तो। मेरे को जितना नॉलेज है मैंने आपको बताया है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो देखो मैंने कैसे इसको प्लान किया है। इसमें आपको एक पार्किंग का स्पेस मिलेगा, आपको एक छोटा सा लॉन मिलेगा, दो बेडरूम्स इसमें मैंने प्लानिंग किया है, और कितना आगे जो कुछ भी आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए अब ये मैंने इसका प्लान, अब ये प्लान मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसको अच्छे से कलर करके दिखाऊंगा, ताकि वेंटिलेशंस विंडोज़ आपको अच्छे से मतलब समझ में आ सके। इसमें मैंने आपका विंडो का साइज, वेंटिलेशन साइज, डोर का साइज, ऑल डोर्स एंड टॉयलेट डोर्स सबका साइज मैंने प्लान किया है। सबका हाइट, लंबाई, चौड़ाई मैंने प्लान करके रखा है। आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब मैं चलो, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका, ये कलर में होने के बाद से आपको फुल डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट, उसके बाद से एंट्री करेंगे अपने पार्किंग एरिया में, जिसका साइज मैंने रखा है 8 feet 8 inch by 10 feet 10 inch का, बेहतरीन होगा ये। उसके बाद से अपना ये लॉन, आप यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, जिसका साइज मैंने रखा है 7 feet 6 inch by 4 feet 4 inch का। और ये अपना बाथ कम लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 4 feet 4 inch by 8 feet 1 inch का। उसके बाद से अपना ये डाइनिंग, जिसका साइज मैंने रखा है 9 feet 10 inch का। उसके बाद से अपना ये ड्राइंग, जिसका साइज मैंने रखा है 7 feet by 10 feet का, ये बेहतरीन होगा। आप यहाँ पे टीवी वी भी लगा सकते हैं, और वास्तु के हिसाब से सब ये मैंने प्लान किया। उसके बाद से अपना लॉन्च, जिसका साइज मैंने रखा है 9 feet 2 inch by 7 feet 5 inch का। उसके बाद से अच्छा है ये, उसके बाद से अपना ये यहाँ से स्टेयर अप, इसका साइज मैंने रखा है 2 feet 9 inch wide, बेहतरीन होगा ये 2 feet 9 inch में। उसके बाद से अपना ये OTS, जिसे घर में
हवा एंड लाइटनिंग बनी रहेगी। उसके बाद से अपना ये किचन, जिसका साइज मैंने रखा है 6 फीट बाय 7 फीट 9 इंच। उसके बाद से बढ़ते हैं अपने बेडरूम की तरफ, जिसका साइज मैंने रखा है 13 फीट 1 इंच बाय 11 फीट का। एंड दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 11 फीट बाय 10 फीट का। अभी अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसका वॉल साइज मैंने रखा है 9 इंच का, आउटर एंड इनर 5 इंच का, एंड वेंटिलेशन 2 फीट बाय 1 फीट का, एंड विंडो साइज 4 फीट बाय 5 फीट 3 फीट बाय 5 फीट, आप जो भी चाहें रख सकते हो। एंड डोर का साइज मैंने रखा है 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। सो यही है आज का प्लान गाइस। मिलते हैं एक नए हाउस प्लान के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।